नमस्कार अजस्टो मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। अजस्टो मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूं। आज की तारीख है 28 फरवरी और वार है बुधवार। शो में हम बात करेंगे बिनौला सोया रिफाइंड तेल के बारे में और दूसरी तरफ अक्खा तेल के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी का रुख होने से और आपूर्ति कमजोर हो जाने की वजह से स्थानीय बाजार में अधिकांश खाद्य तेलों के भाव 100 से 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़े हैं। वहीं सीमित बिकवाली के चलते अक्खा तेलों में स्थिरता रही। रिफाइंड वनस्पति के निर्माताओं की मांग निकलने व हरियाणा पंजाब की बिकवाली कमजोर होने से बिनौला तेल के भाव 130 रुपये से बढ़कर 8,780 रुपये प्रति क्विंटल हुए हैं। आपूर्ति कमजोर होने से तेल के भाव पर असर पड़ा जो मजबूत होकर 17,400 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। सोया तेल में भी आयातकों की बिकवाली घट जाने से 200 रुपये बढ़कर बोले गए हैं। सीमित बिकवाली के चलते सरसों तेल का भाव 100 रुपये बढ़कर 9,800 रुपये प्रति क्विंटल हुआ, जबकि देश की विभिन्न मंडियों में सरसों की आवक 7.5 लाख बोरियों दैनिक हो रही है। वहीं तेल मिलों की मांग कमजोर होने से लॉरेंस रोड पर सरसों का भाव 50 रुपये घटकर 5,100 से 5,150 रुपये प्रति क्विंटल हुआ। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपको देश दुनिया की खबरें दे सकें। विदेशों में सीपीओ के भाव $10 बढ़कर $940 प्रति टन हो जाने व आयातकों की बिकवाली कमजोर होने से कांदला में क्रूड पाम ऑयल का भाव 50 रुपये बढ़कर 800 रुपये प्रति क्विंटल हुआ। सटोरिया लिवाली होने से KLC में सीपीओ वायदा मार्च 10 रिंगिट बढ़कर 3,981 और अप्रैल 22 रिंगिट बढ़कर 3,943 और मई 25 रिंगिट बढ़कर 3,888 रिंगिट प्रति टन हुआ है। औद्योगिक मांग निकलने व वायु में तेजी होने के कारण बिकवाली कमजोर होने से अरंडी तेल के 12,600 से 12,700 रुपये प्रति क्विंटल पर मजबूत रहे भाव। वहीं गुजरात में भी इसके रेट 12,100 से 12,200 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए हैं। वहीं खाद तेलों में राइस फैटी 50 रुपये घटकर 6,800 व 6,850 रुपये व एसिड ऑयल के रेट 5,850 से लेकर 6,900 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। दोस्तों, अजस्टो मनी गुरु व्यालस कम्युनिटीज पर काम करके पूर्ण विश्लेषण के साथ आपको और जानकारी देते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल करें, हमसे संपर्क करें। नमस्कार।